दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के एक बहुत ही खूबसूरत राज्य त्रिपुरा को अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो को अभी सिंक कर दीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। दोस्तों त्रिपुरा उत्तर पूर्वी सीमा भारत का एक राज्य है। यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, जिसका सिर्फ 10,691 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश स्थित है, जबकि पूर्व में असम और मिजोरम स्थित है। इस राज्य की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 36,71,000 थी। दोस्तों अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। बंगाली और त्रिपुरा भाषा यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। दोस्तों त्रिपुरा की स्थापना लगभग 17वीं शताब्दी में मणिक के नामक इंडो मंगोलियन आदिवासी मुखिया ने की थी, जिसने हिंदू धर्म भी अपनाया था। दोस्तों 1947 में यह भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ और 1972 में इसे राज्य का दर्जा मिला। त्रिपुरा के आधे से अधिक भाग जंगलों से घिरा हुआ है, जो प्राकृतिक प्रेमी पर्यटकों को आकर्षित करता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि राजा त्रिपुर जो ययंती वंश का 32वां राजा थे, उन्हीं के नाम पर इस राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ा, जिसके वंशज अहिरो ने यहाँ प्राचीन काल में शासन किया था। दोस्तों एक मत के मुताबिक स्थानीय देवी त्रिपुर सुंदरी के नाम पर यहाँ का नाम त्रिपुरा पड़ा। यह हिंदू पंथ के 52 शक्ति पीठों में से एक है। इतिहासकार कैलाश चंद्र सिंह के मुताबिक यह शब्द स्थानीय कोकबोरक भाषा के दो शब्दों का मिश्रण है। दोस्तों त्रिपुरा का बड़ा पुराना और लंबा इतिहास है, इसकी अपनी अनोखी जनजातीय संस्कृति तथा दिलचस्प लोक कथाएं हैं। दोस्तों बंगाली और त्रिपुरी भाषा यहाँ मुख्य रूप से बोली जाती है। ऐसा माना जाता है कि राजा त्रिपुर जो ययंती वंश के 32वें राजा थे, उन्हीं के नाम पर यह शहर का नाम त्रिपुरा पड़ा है। दोस्तों त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक स्थल रुद्ध राज्य है, जहाँ यह और इसके 6 निकटवर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड सामूहिक रूप से सात बहने कहलाती है। दोस्तों त्रिपुरा भौगोलिक रूप से विविध है। यह पहाड़ी श्रृंखलाएं, घाटियां और मैदान पाए जाते हैं। राज्य के उत्तर में दक्षिण तक अनपत पहाड़ियों की 5 श्रेणियां हैं, जिसके विस्तार पश्चिम में बोरोडुमुना पहाड़ियों से लेकर 18 पूरा लोंगा थराई और शाखन से होते हुए पूर्व में जम्पुई पहाड़ियों तक स्थित है। इन 7 पहाड़ियों के मध्यवर्ती अभिनयों में अगरतला, उदयपुर, खुवाई, तेलमियूरा, कमलपुर, अम्बासा, कैलाश शहर, मनु और धर्मनगर, कंचनपुर घाटियां स्थित है। दोस्तों त्रिपुरा में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 74% है। दुर्गा पूजा यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। बांग्ला यहाँ की प्रमुख भाषा है। दोस्तों इसकी सीमा बांग्लादेश, मिजोरम और असम से लगती है। त्रिपुरा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 856 किलोमीटर है। दोस्तों यह राष्ट्रीय राजमार्ग 8 द्वारा शेष भारत के राज्य से जुड़ा हुआ है, जो गुवाहाटी को अगरतला के रास्ते सबरूम से जोड़ता है। इसे 4 लेन का बनाया जा रहा है। दोस्तों इन सभी के अलावा आप त्रिपुरा में घूमने भी जा सकते हैं, जहाँ पर आप नीर महल, त्रिपुर सुंदरी मंदिर और अगरतला जैसे जगहों को देखने भी जा सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको कैसा लगा यह वीडियो और यह राज्य, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।